Good morning, dear students. Now we are going to revise the important three chromosomal disorders that are Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner's syndrome. These all are very important. बोर्ड एग्जाम में बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि इन तीनों में से एक डिसऑर्डर आए. मैं आपको ये तीनों करा चुकी हूँ, बट स्टिल वी विल रिवाइज. जो सबसे पहला डिसऑर्डर है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है. ट्राइसोमी का मतलब, नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि दो क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21st नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके साथ में एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. इसको बोलते हैं ट्राइसोमी. इसको डिस्कवर किया था लैंगडाउन ने 1866 के अंदर. इसीलिए इस डिसऑर्डर को डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया है. इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स हैं जो हेड है वो स्मॉल और राउंड हो जाता है. फ्यूरोड टंग मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, और पेशेंट मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, मेंटल लेवल थोड़ा कम हो जाता है उसका. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है. डायग्रामेटिक यहाँ पे अपीयरेंसेस दी हुई हैं. जो सबसे पहला दिया हुआ है वो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम दिया हुआ है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो टर्नर सिंड्रोम दिया हुआ है. लेकिन डाउन सिंड्रोम का यहाँ पे डायग्राम नहीं है, जिसके कि फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दूसरा डिसऑर्डर है हमारा क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम. क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था. यहाँ पे क्या होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं सेल के अंदर वो होते हैं 46, लेकिन यहाँ पे कार्योटाइप हो जाता है 47. जो एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्स वाई, तो नॉर्मली जो होता है मेल उसके अंदर होते हैं क्रोमोजोम एक्स वाई एंड फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स. लेकिन यहाँ पे जब सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो एक एक्स क्रोमोजोम पेयर में ही आ जाता है, सेपरेशन नहीं होता. क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम के केस में सेपरेशन नहीं होता, एज इट इज एक्स एक्स इकट्ठे आ जाते हैं. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होता है, तो ये डबल एक्स वाई हो जाता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक इंक्रीज हो जाता है, इसलिए 47 हो गया कार्योटाइप. तो यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म का वो तो मैस्कुलिन होगा, मतलब कि मेल जैसा दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ फेमिनिन डेवलपमेंट, फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आएंगे. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको गाइनेको मेस्टिया बोलते हैं. इस तरह के इंडिविजुअल स्टराइल होते हैं. स्टराइल का मतलब वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. उसके बाद तीसरा डिसऑर्डर है हमारा टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, क्लिनीफेल्टर में एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है. ऑन द ऑपोजिट हैंड टर्नर के अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है. वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ऐड हो रहा था, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे कार्योटाइप 45 हो गया. क्लिनीफेल्टर में कार्योटाइप 47 हो रहा था. ये इंडिविजुअल भी स्टराइल होते हैं, मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करते. इनकी जो ओवरीज होती हैं वो र्यूडिमेंट्री होती हैं. र्यूडिमेंट्री मतलब जिनका डेवलपमेंट ना हो सके. इस तरह की इनकी जो हैं ओवरीज इनके अंदर होती हैं. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तीनों डिसऑर्डर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इन केस अगर आपको क्लियर नहीं है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, बट रीड इट with full concentration because it is very important question from board point of view. I hope you will study well. Thank you.